थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। थेल्स प्रमेय के कथन के आधार पर यहाँ हम देखते हैं एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें BC भुजा के समांतर हमने DE रेखा खींचे हैं और इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया कि त्रिभुज ABC में DE BC के समानांतर है और हमें सिद्ध करना है कि जो खींची गई समांतर भुजा है वो अन्य दो भुजाओं को त्रिभुज की जो अन्य भुजाएं AB और AC इनको समान अनुपात अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC में विभक्त करती हैं। रचना कुछ इस तरीके से करेंगे, हम B से E को तथा C से D को मिलाएंगे और DM लंब AC पर खींचेंगे। इसी प्रकार EN लंब AB खींचेंगे। थेल्स प्रमेय के कथन के आधार पर हमने त्रिभुज ABC ले लिए जिसमें हमने भुजा BC के समानांतर DE भुजा खींचे और ये हम बताएंगे कि किस तरीके से यह DE भुजा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC के अनुपात में विभक्त करती हैं। तो इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमने त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE और इसी तरीके से त्रिभुज CDE को इस तरीके से समंजित करके रख लिए। चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, त्रिभुज ADE को हमने इस प्रकार से यहाँ पर रख दिया तथा ये एक हम देख रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज है। इसका जो आधार है AD होगा और इसकी ऊंचाई चूंकि हमने AB पर लंब EN खींचे थे तो इस तरीके से EN जो है इसकी ऊंचाई हो गई तथा एक और त्रिभुज जो कि BDE है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब चूंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हम BD भुजा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और E से AB भुजा पर लंब EN खींचते हैं। इस प्रकार से यहाँ ऊंचाई EN हो, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD गुणित EN बटे 1/2 DB गुणित EN कैंसिल करने पर AD बटे DB पहला समीकरण तथा इसी प्रकार से यदि हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात की बात करें तो हमें AE बटे EC प्राप्त हो जाता है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक। तो इसको हम एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रख कर देख भी लेते हैं तो ये दोनों जो हैं आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और CDE का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर हैं। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल
को हम जैसे ही बराबर रखते हैं तो हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं में अगर कोई दो त्रिभुज बन रहे हैं और उनका आधार एक ही होता है, तब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इस प्रकार समीकरण 1, 2 व 3 से हम देखते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा।